हरिओम। मंत्र जप से मृत्यु के मुंह से बाहर। श्री अरुण सिद्दप्पा हट्टी जी, जो कि बेलगांव कर्नाटक से हैं, वे अपने जीवन में घटित एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं, 18 अक्टूबर 2006 को मेरी माँ लक्ष्मीबाई सिद्दप्पा हट्टी उम्र 50 वर्ष के पेट में दर्द होने लगा। हम उन्हें अस्पताल में ले गए। आंतों में छेद हुआ है, इसलिए शीघ्र ऑपरेशन की आवश्यकता बताकर डॉक्टरों ने 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा। 2 घंटे ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक माँ होश में नहीं आई। उन्हें कृत्रिम श्वसन तंत्र लगाया गया था। जब 10 दिन तक माँ होश में नहीं आई, तब कई बार पूछने पर डॉक्टरों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया, ऑपरेशन के समय एनेस्थेसिया, बेहोशी की दवा अधिक देने के कारण मरीज कोमा में चला गया है। हम माँ को दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने माँ का सीटी स्कैन करने के बाद बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों जगह से निराश होकर, मरता क्या नहीं करता, हम माँ को घर ले आए और अहमदाबाद आरोग्य केंद्र से संपर्क किया। उन्होंने हमें सिर पर तिल के तेल से मालिश करते हुए कोमा से बाहर लाने वाला खास मंत्र जपने के लिए दिया। मंत्र का प्रतिदिन 1 घंटा जप करने की व हाथों पैरों के तलुओं में सरसों के तेल से मालिश करने की सलाह दी। विधिवत मालिश एवं जप शुरू करने के 1 घंटे बाद ही माँ कोमा से बाहर आ गई। 6ठे दिन से वे बोलने लगी व 10वें दिन से उन्होंने अन्न सेवन शुरू कर दिया। अब उनका मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ है। अब वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि यह चमत्कार है, यह सब तो पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा का फल है। हरिओम। Thank you.